किसान भाइयों, आप सभी का खेती किसान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मक्का की खेती, जिसके बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो डाली थी मक्का की खेती के बारे में। तो ये नई तरीके से बोई गई मक्का थी, तो इसके बारे में दोस्तों आज मैं आपको बताऊँगा। ये हमारी लगभग 20-21 दिन की हो चुकी है और इसमें रोग लग चुका है, यानी कि इसमें कीट लग गया। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कीट इसमें लग रहा है, मैं आपको दिखाऊंगा। और किसान भाई से कंट्रोल कर रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं कीटनाशक का, तो इस वीडियो में आपको इस बारे में बताऊंगा कौन सी दवाई का उपयोग कर रहे हैं। ये सब आपको इस धान की खेती में अगर आप भी करते हैं तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं मक्का के रोग की बात करता हूँ। जैसे कि आपको नज़दीक से दिखाता हूँ कि मक्का में अभी वर्तमान समय में मक्का में सबसे ज़्यादा रोग लगने लगे हैं। इसमें सुंडी का सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है किसानों को, कि जब हमारे 21-22 दिन का हमारा जब प्लांट हो जाता है तो उसमें सुंडी आने लगती है। एकदम सुंडी आने के कारण हमारा जो मक्का का पौधा होता है, मक्की का, वो ऊपर भी नहीं बढ़ता, और जो सुंडी होती है वह इस तरीके से आती है। आप देख सकते हैं अगर आपके यहाँ पर भी इस तरीके से रोग लगा हुआ है मक्के में, आप देखिए दोस्तों, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर आपके यहाँ पर रोग लगा हुआ है। और किसान भाई किस दवाई का इसमें उपयोग कर रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा और किस दवाई से कंट्रोल हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर ये कुनोस्पे के टाइप का एक कीट लगा हुआ है, जो कि मक्का के अंदर, ये देखिए बिल्कुल इसी सुंडी के अंदर गोब में, बिल्कुल ही बीच वाले भाग में इसमें सुंडी है जो कि मक्का को खा रही है, जिससे मक्का का जो हमारा पौधा है वो आगे भी नहीं बढ़ रहा। ऊँचाई देखिए दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पर बीच का एरिया ही मक्का का खा चुकी है, और ये देखिए इस प्लांट में भी ऐसे ही है। तो इस रोग को कंट्रोल करने के लिए किसान भाई यहाँ पर कीटनाशक दवाई का उपयोग कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी दवाई लाए हैं। तो मैं दोस्तों इस वीडियो में आपको दवाई ज़रूर दिखाऊंगा। तो अगर आपके मक्का में भी इस प्रकार का रोग आ रहा है तो आप भी जल्द से जल्द उसका उपाय करें, उसकी दवाई उसका स्प्रे कर दें। तो ये देखिए दोस्तों कितना ख़तरनाक तरीके से यहाँ पर ये खाया गया पेड़ है मक्की का, देखिए। और काफ़ी अच्छी पेड़ थे लेकिन रोग लगने के कारण यहाँ पर ये रुक चुकी है इसकी बढ़वार। तो दिखाऊंगा किस प्रकार इसमें स्प्रे कर रहे हैं। तो दोस्तों देखते हैं, पहले तो किसान भाई जो स्प्रे कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं, प्लांट टू प्लांट वो दिखाऊंगा आपको मैं, उसके बाद मैं आपको दवाई भी दिखाऊंगा इस वीडियो में ही। तो दोस्तों ये देखिए इस तरीके से किसान भाई यहाँ पर इसकी स्प्रे कर रहे हैं इसमें। तो दोस्तों देखिए इस तरीके से यहाँ पर प्लांट के ऊपर दवाई डाली जा रही है, देखिए ये बिल्कुल अब इस पर दवाई डल जाएगी तो 2 से 3 दिन के अंदर ही ये रोग कंट्रोल में हो जाएगा। और दोस्तों अब दवाई की बात करते हैं कौन सी दवाई है, तो मैं आपको दवाई दिखाता हूँ। दोस्तों अगर उस दवाई में कीटनाशक की बात करें तो देखो दोस्तों, इस दवाई का उपयोग कर रहे हैं किसान भाई यहाँ पर मक्का में। अगर इसके साल्ट की बात करें तो, और इसकी कीमत की बात करें तो आपको बताना चाहूँगा दोस्तों। अगर इसकी साल्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, दे सकते हैं लेमडा साई हेथोथ्रीन 4.99% CS कीटनाशक है, जो कि दे सकते हैं यहाँ पर 4.9% CS है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अच्छी तरह से ये साल्ट है यहाँ पर, इंसेक्टिसाइड कीटनाशक, इसका उपयोग यहाँ पर ये मक्का में कर रहे हैं, जो कि हमारी मक्का में सुंडी लगी हुई है सारी नियंत्रण हो जाएगी। ये 1 लीटर की है, और इसकी कीमत की बात करें दोस्तों 805 रुपये इसका प्रिंट रेट है। आप ले सकते हैं यहाँ पर इस दवाई को, आप अच्छे से एक बार देख लें, साल्ट आपको मैंने बता ही दिया है आपको। अगर साल्ट की बात करें, दोबारा आपको बताना चाहूँगा एक बार और, लेमडा साई हेथ्रोइल ये साल्ट है इसका 4.9% CS के नाम से। और दूसरा साल्ट की बात करें तो जो एक और कीटनाशक है इसके साथ में, ये दोस्तों देख सकते हैं आप, मोनोक्रोटोफास 36% SL, ये एक साल्ट ये है इसके साथ। अगर इसकी कीमत की बात करें 80 रुपये की है दोस्तों ये। और इसी के साथ एक जो तीसरा साल्ट है दोस्तों, तीसरी दवाई जो कि विक्टर कंपनी की है, और इमीडा क्लोरोपारिड जो कि 17.8% SL के नाम से है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इमीडा क्लोरोपारिड, देखिए दोस्तों विक्टर कंपनी की, अगर इसकी कीमत की बात करें 170 रुपये की है ये। और तो दोस्तों इन तीनों दवाइयों को किसान भाई मिलाकर यहाँ पर अपनी जो मक्का की फसल में स्प्रे कर रहे हैं, तो इन दवाइयों का स्प्रे कर रहे हैं, आप भी अच्छे से देख ले। तो दोस्तों अगर आपके मक्का में भी रोग आ रहा है तो आप इन दवाई का उपयोग करें, आपकी मक्का का
जो भी आपके मक्का में जितनी भी सुंडी लग रही सभी कंट्रोल हो जाएंगी। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें अन्य किसान भाइयों को। तो जल्दी एक नई वीडियो नई जानकारी मिलते हैं, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।